नाउ टुडे वी स्टडी कॉर्डेट्स। आज हम लोग कॉर्डेट्स के बारे में पढ़े थे, इससे पहले क्लास में नॉन कॉर्डेट्स पढ़े, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है, पर पहले ही जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो फॉलोइंग जो बताएंगे अभी जो ऑर्गेनिक पार्टिसिपेट है, दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो सबसे पहले जो कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हैविंग प्रेजेंस ऑफ नोटो, क्या है प्रेजेंस ऑफ नोटो। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसका डॉर्सल होलो नर्व कोड का प्रेजेंस है। फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, यानी जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होगा उसी को कहेंगे वो कॉर्डेट्स है। अगर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है यानी वो नॉन कॉर्डेट्स है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े प्रोटोजोआ से लेकर के पूरा लास्ट हेवी कॉर्डेटा तक पढ़े, ये नॉन कॉर्डेट्स में पढ़े, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले कहीं नोटोकोड का प्रेजेंट का बात था, नहीं था। अब यहाँ से नोटोकोड प्रेजेंट है, यही कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होगा। तो मेन जो कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है यही है। नेक्स्ट इसका है कि बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये पहले भी हम लोग सुन रहे थे, है ना। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, हिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट है। बायलेटरली सिमेट्रिकल यानी कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू इक्वल हाल्स, ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाल्स में डिवाइड्स होगा। हिप्लोब्लास्टिक यानी ऑल दिस थ्री टर्मिनल लेयर व्हिच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, दे आर एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म एंड दिस सीलोमेट एनिमल। नेक्स्ट देयर कॉर्डेट्स कैरेक्टरिस्टिक है गिल स्लिट प्रेजेंट, फारिंजियल रीजन जो होता है, जो फैंग्स रीजन होता है वहाँ पे गिल स्लिट प्रेजेंट होगा। जैसे फिश में देखते हैं गिल सिर्फ प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, फिश गिल रिट्रैक्शन करता है तो उसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होगा। तो दे आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि हार्ट जो होगा इसका वेंट्रली प्लेस होगा। हार्ट कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होगा। नाउ दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ कॉर्डेट्स और इट्स अ नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो कॉर्डेट्स कहेंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं होगा तो नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। जैसे मेन जो कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डॉर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट, हॉट वेंट्रली प्लेस, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप। बाकी बायलेटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट इससे पहले वाले भी नॉन कॉर्डेट्स में भी हम लोगों ने देखा। हेवी कॉर्डेटा था, हेवी कॉर्डेटा में भी था, फिर जाकर के हेवी कॉर्डेटा से पहले वाले में भी क्लास में था। तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो मेन जो कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, नोटोकोड, डॉर्सल नर्व कोड, गिल स्लिट का प्रेजेंट होना, हार्ट वेंट्रल प्लेस होना, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होना। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज द ऑर्गेनिज्म इट्स अ कॉर्डेट्स। तो ये हो गया कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग इससे पहले नॉन कॉर्डेट्स भी पढ़े हैं, ये है कॉर्डेट्स। तो बिल्कुल क्लियर है कि नॉन कॉर्डेट्स किसको कहेंगे और कॉर्डेट्स किसको कहेंगे। एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं नोटोकोड और कॉर्डेट्स के बीच का। तो सिंपल सा है कि जो इसमें प्रेजेंट है वो उसमें नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये एग्जाम में बोर्ड के क्वेश्चन में आता है कि डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, या डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो कॉर्डेट्स है यानी नोटोकोड प्रेजेंट है, तो नॉन कॉर्डेट्स है तो नोटोकोड प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा प्रेजेंट। यहाँ पे डोर्सल होलो नर्व कोड है तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। इससे पहले तो पढ़ चुके हैं ना, कहीं ये इसका जिक्र भी नहीं था। नेक्स्ट ये सब तो कॉमन चीजें हैं। गिल स्लिट इसमें प्रेजेंट है फैरिंग्स रीजन में, कॉर्डेट्स में इससे पहले गिल स्लिट फैरिंग्स रीजन में क्या प्रेजेंट था, नहीं था प्रेजेंट। यहाँ हॉट वेंट्रल प्लेस है, इससे पहले
डॉर्सल हो गया, फॉलो डॉर्सल यानी जो पीठ की साइड है,